गुड मॉर्निंग स्टूडेंट श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्ष्मण गढ़ की एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे अपन आज। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में अपन को क्या करना है, कोई भी नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो पढ़ेंगे आज आप। ठीक है, आज अपन क्या पढ़ेंगे, किसी भी नंबर को अपन को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो, दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे। तो देखो अपने पास पहला क्वेश्चन है, विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में ये क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है बुक में। अब अपन को क्या करना है, इसको नंबर लाइन में शो करना है, दिखाना है। तो देखो कैसे दिखाएंगे, ये मैंने किया है देखो। तो इसमें पहले तो अपन ने क्या ले लिए, नंबर लाइन ले लिया, जैसे स्केल हो गई अपनी 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ठीक है, अपने 3 और 4 3 पॉइंट है, तो 3 पॉइंट समथिंग है। 3 पॉइंट समथिंग कहाँ होगा, 3 और 4 के बीच में होगा, सीधी सी बात है। तो 3 और 4 के बीच में अपन ने नंबर ले लिए। 3 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं, वैसे तो बहुत सारे नंबर होते हैं 3 और 4 के बीच में, इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन ने ले लिए ये देखो, अपन ने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ऐसे ये 10 नंबर ले लिए, 3 और 4 के बीच में 10 नंबर वैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3.1। अब अपन का अपना नंबर है 3.765, तो अपन ने क्या किया, 3.7 और 3.8 इन दोनों के बीच में होगा ये नंबर, जो ये नंबर है वो कहाँ होगा, 3.7 और 3.8 के बीच में। ठीक है, तो अब अपन ने क्या किया, अब अपन को पता है इन दोनों के बीच में भी कितने नंबर होते हैं, 10 अपन नंबर ले लिए ये वाले। ठीक है, 3.7 और 3.8 के बीच में कौन कौन से नंबर हो गए, 3.71, 3.72, 3.73 ये सारे नंबर हो गए। ठीक है, अब अपन को पता है इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं, तो अपने पास अपन को नंबर निकालना है 3.765। तो अब देखो अपने पास 3.76 कहाँ पे आ रहा है, 3.76 आ रहा है यहाँ पे। अब इसके और इसके अगले वाला नंबर, इसका जो अगला नंबर है 3.77, अब जो नंबर अपना पा ये है, ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में होगा, कहीं पे भी हो सकता है, इन दोनों के बीच में होगा बट। ठीक है, तो अपन इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो लिख लेते हैं। फिर अपन ने 3.76 और 3.77 इन दोनों के बीच में जो 10 नंबर आते हैं वो ले लिए अपन ने। ठीक है, तो ये हो गए 3.761, 3.762, 3.763 ऐसे लेके अपन ने ये नंबर ले लिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में अब अपने पास नंबर था 3.765, जो नंबर अपने पास ये आ गया, यहाँ पे देखो आ गया 3.765, ये नंबर आ गया, यही अपन को नंबर लाइन पे क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो ये अपना हो गया 3.76, यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, 3.76 और 3.77 के बीच में। ठीक है, ये आ गया 3.765, समझ आ गया सबके, लिखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो देखो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना, सेकंड क्वेश्चन है अपना, विजुलाइज 4.26 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल, अपन को आंसर जो नंबर लाइन पे क्या करना है, अप टू 4 डेसिमल, 4 डेसिमल अपन को दिखाने हैं इसमें। ठीक है, तो अब 4 डेसिमल अपन दिखाएंगे, तो कैसे दिखाएंगे, पहले अपन ने 4 और 5 के बीच में नंबर ले लिया, 4 और 5 के बीच में क्या होंगे, 4.1, 4.2, 4.3 ये सारे नंबर होंगे। फिर अपना 4.2 है, तो 4.2 फिर आगे 6 आ रहा है, इसका मतलब 4.2 और 4.3 के बीच में होगा ये, तो 4.2 और 4.3 के बीच में अपन ने ये 10 नंबर ले लिए। ठीक है, 4.2 और 4.3 के बीच में ये 10 नंबर हो गए, 4.21, 4.22 ऐसे करके ये 10 नंबर हो गए। अब अपना नंबर आता है 4.26, तो 4.26 और 2.7 के बीच में वो नंबर आ जाएंगे अपने पास, 4.26 और 2.7 के बीच में अपने पास नंबर आ गए 4.261, 4.262 ऐसे करके ये 10 नंबर आ गए। ठीक है, अब अपन को क्या किया, अपन ने क्या किया, बार के बाद है, बार का मतलब क्या होता है, 4.26, 2.6, 2.6 ऐसे चलता जाएगा ये 4.26, 2.6, 2.6, 2.6। तो अपन ने क्या किया, 4 नंबर, इसने बोला 4 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, तो अपन ने 4, अप टू 5 और भी ले सकते हैं अपन, फिर 2 आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, इन दोनों के बीच में ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, तो ये अपन ने 4 नंबर ये अपना आया 4.2626, समझ में आ गया सबके, लिख लो इसको,
फिर आगे चलते हैं अपन। ये 1.4 कंप्लीट, दो ही क्वेश्चन थे अपने कंप्लीट हो गए। फिर देखो 1.5 में आते हैं, लिख लो इसको। अब देखो एक्सरसाइज 1.5, इसमें अपन को करना है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या हो जाएगा, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, परिमेय या अपरिमेय, रेशनल या इरेशनल, ये अपन को बताना है। अपन को ये क्वेश्चन दिए हुए तीन क्वेश्चन मैंने लिख लिए, 2-√5 ये वाला और ये वाला, तीन क्वेश्चन। ठीक है, अपन को इसमें बताना रेशनल और इरेशनल। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको रेशनल होता है क्या, इरेशनल क्या होता है। रेशनल मीन्स क्या होता है, विच नंबर वी कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म, ऐसा नंबर जिसको अपन पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, और इरेशनल, इरेशनल नंबर में कौन से आते हैं, विच नंबर कैन नॉट राइट, ठीक है, ऐसा नंबर जिसको अपन नहीं लिख सकते पी बाई क्यू फॉर्म में, उसको बोलते हैं अपन इरेशनल नंबर। सारे रूट वाले नंबर है जिसका रूट हट जाए, वो जैसे रूट 25 है वो तो क्या होगा, रेशनल, बट रूट 5 क्या होगा, इरेशनल। समझो यही बात, तो रूट वाले नंबर क्या होंगे, इरेशनल, जिसका रूट हट जाए वो अलग बात है, और रेशनल। अब इरेशनल में वो भी आते हैं जैसे पाई हुआ गम, ठीक है, पाई भी क्या होगा, इरेशनल होगा, और भी जैसे आप, मैंने बताए थे आपको पहले, जिसमें जीरो बढ़ता जाए, जैसे 1.10100100140, ऐसे जिसमें जीरो जीरो बढ़ता जाए, जो कभी भी ख़त्म नहीं हो, जो कभी भी क्या हो, ख़त्म नहीं हो, और जिसमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो उसको भी क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। जिसमें कोई नंबर रिपीट होता है उसको अपन बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको तो बोलते हैं रेशनल, और जिसमें रिपीट नहीं हो रहे उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो अपन चेक करेंगे किसी में भी अगर रूट बचता है सोल्व करने के बाद तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, 2-√5, अब इसमें अपन इसको क्या सोल्व करेंगे, ठीक है, तो 2-√5, तो 2 में से रूट 5 की वैल्यू, कोई भी वैल्यू अपन सपोज करके, ठीक है, निकाल लेंगे रूट 5 की वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे, तो ये नंबर क्या होगा, रेशनल होगा या इरेशनल, 2-√5, ठीक है, तो 2-√5, 2 में से रूट 5 की वैल्यू माइनस होगी नहीं, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू एग्जैक्ट होती नहीं अपने पास, इसलिए ये क्या होगा, ये तो होगा इरेशनल, ये क्या होगा, इरेशनल होगा, मतलब अपरिमेय होगा। समझ में आएगा, क्योंकि इसमें रूट 5 आ रहा है और ये हटेगा भी नहीं, ठीक है, हटेगा भी नहीं, रूट के ऐसा नंबर रूट के रूट में, चाहे वो प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, अगर रूट आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। और इसमें देखो माइनस में 2-√5, माइनस में रूट 5 आ रहा है, इसलिए ये नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। अब इसको अपन सॉल्व करें, तो ये तो आ गया 3+√23-√23, तो ये इससे कैंसिल होगा, क्या बचा अपने पास, 3 बचा। तो 3 तो क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर किस में आते हैं, रेशनल नंबर में आते हैं, तो ये तो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, और ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। समझ में आ गया, इरेशनल क्यों हुआ, क्योंकि इसका रूट नहीं हट रहा, इसमें क्या हो गया, रूट हट गया, देखो केवल 3 बचा, इसलिए क्या है, रेशनल है। अब देखिए इसको करें, इसमें रूट सेवन क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, 2/7। अब देखो इसमें रूट नहीं आ रहा, सिंपल पी बाई क्यू फॉर्म में है ये, इसलिए ये क्या है, रेशनल, इसलिए क्या है, रेशनल नंबर है। समझे आगे बात, रेशनल क्यों है, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में आ रहा है और रूट नहीं आ रहा है, इसमें भी रूट नहीं आ रहा है, इसलिए दोनों रेशनल है, इसमें रूट आ रहा है, ये रूट हटेगा भी नहीं, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए, लिख लो इनको, चौथा और करा देता हूँ।